गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। फंडामेंटल न्यूज की बात करते हैं और साथ में 90,123 रुपीस कैसे कमाए उस बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। फंडामेंटल स्टडी के लिए आपको तो पता है कि लॉट्स ऑफ स्टडीज, लॉट्स ऑफ थिंग्स सोचने के बाद ही 90,000 का प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ईजी भी नहीं है बट बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। ऑलमोस्ट अगर आप सोचोगे 90,000 के प्रॉफिट के लिए मैंने काफी सारी स्ट्रैटेजीज, काफी सारी मतलब तीन स्टॉक पे मैंने स्ट्रैटेजी वर्कआउट की और तीन स्टॉक पे जब मैंने स्ट्रैटेजीज वर्कआउट की तो मैंने 90,123 का प्रॉफिट कम्प्लीटली बुक कर लिया। और आने वाले कुछ दिनों में जो 10 स्टॉक मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो आप नोट डाउन कर लीजिए और उसकी स्टडी के लिए आप रेडी रहिए। अब आप बोलोगे कि कौन से 10 स्टॉक और क्यों मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आने वाले सितंबर महीने में 10 न्यू स्टॉक FNO में ऐड हो रहा है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ऐड हो रहा है तो स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। बट हाँ, हर स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल डाटा आपके पास होना चाहिए। अब FNO में ऐड हो रहा है मतलब कंपनी का टर्नओवर अच्छा है, कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, तभी जाके FNO में सेबी उसे ऐड करवा रही है। जब सेबी ऐड करने के लिए ले रही है तो उस 10 स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो कितना सूटेबल है मतलब टेक्निकली, फंडामेंटली, एज पर योर बर्थ डेट वो स्टॉक आपको सूटेबल है या नहीं, ये हमें पहले सारी चीजें मतलब अभी हमारे पास 20 डेज है जिसमें हम लोग इस 10 स्टॉक की स्टडी करके अगला पूरा सितंबर महीना प्रॉफिट कर सकते हैं और प्रॉफिट आपका जो भी गोल आपने रखा है उससे बहुत कहीं ज्यादा भी हम लोग कमा सकते हैं। बट इसके लिए आपको सिंपल एक गोल तो बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑफ रेशियो के लिए गोल बनाने के बाद उसके ऊपर वर्कआउट भी करना पड़ता है, इसीलिए तो हम लोग गोल्स बनाते। तो यस, जो मैंने आपको बताया कि 10 नए स्टॉक जो है उसमें से डिक्सन टेक्नोलॉजी, MCX, पॉली लैब, इपका लैब, ओरेकल, सिंजिन, कैनफिन होम्स, IEX एंड HAL एंड इंडिया मार्ट, ये 10 स्टॉक FNO में ऐड हो रहे हैं। जब ये 10 स्टॉक FNO में ऐड होंगे तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फंडामेंटल स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो आज मार्केट में टोटली प्रॉफिट बुकिंग है, काफी सारे जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप है उसे लोअर सर्किट लगते हुए हमने देखा है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 100 की रेंज से 3 दिन से ऑलमोस्ट लोअर सर्किट के ऊपर मार्केट जाते हुए हमने देखा है मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मैंने आपको बहुत पहले एक चीज बताई थी कि जब भी मार्केट चलता है तो आपको काफी सारे मैसेजेस आ जाते हैं कि ये मल्टीप्लायर होगा, ये वो होगा, वो होगा। आप लोग खरीदते जाते हो, क्वालिटी नहीं देखते हो, क्वांटिटी नहीं देखते हो और आप खरीदते जाते हो। और तब जाके आप आज अगर आपको लग रहा है कि ऐसे हो रहा है तो उसके लिए पूरी तरीके से यू आर द रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने बिना स्टडी किए, बिना नॉलेज किए स्टॉक में एंटर किया, किसी के बोलने पे एंटर किया। घर का भी कोई बंदा हो तो उसके ऊपर भी विश्वास जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हो तो ना करो। अगर मैं भी आपको ये 10 स्टॉक दे रही हूँ तो मैंने आपको सिंपली एक ही चीज बताई है कि आपको इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। मैंने नहीं बोला है कि आप इसे बाय करो या फिर इसे सेल करो, इसे आपको बहुत अच्छे से टैली करना होगा एक एक पॉइंट। अगर आप मुझे बोलोगे तो 90 इंडिकेटर टेक्निकली एंड 38 फंडामेंटल वेज में उसके ऊपर फॉलो करूंगी, उसके बाद में ही मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी, अदरवाइज मैं इन्वेस्टमेंट वहां पे नहीं करती हूँ। तो यस, आपने अगर यहाँ पे देखा होगा तो बॉन्ड यील्ड 1.32% इंटरेस्ट रेट रहा, विक्स 12.86 रहा, PCR रेशियो 1.79 रहा कल के डेट में, एंड यस स्टैंडर्ड एंड पुअर जो डाटा था, डो जोन्स, कोस्पी, ताइवान, इस सब जगह पे हमने प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखा, मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ था। फिर अगर आप देखोगे तो टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर्स में अपना काम शुरू करने का सोचा है और उस काम शुरू करने के लिए 18,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है। ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा नालको और टाटा दोनों मिलके ब्रॉडबैंड में आ चुके हैं तो अभी ये नए सेक्टर्स में आना चाहते हैं। तो टाटा ग्रुप अगर नीचे में आपको मिलता है तो पर्टिकुलर इसके लिए कौन सा टाटा का शेयर काम करेगा ये सोचना आपका काम रहेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कौन से ग्रुप में मैंने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यस डेफिनेटली मार्केट नीचे है
और अगर आप मुझे देखोगे तो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, एक स्ट्रैटेजी जो बनी है, गिन के 3 स्टॉक में मैंने आज 90,000 रुपीज अर्न किया है, 18,929.95 का प्रॉफिट है, 6,815.16 का लॉस है, 3,950.5 पैसे का लॉस है, 11,109.78 का प्रॉफिट है, 24,204.84 का प्रॉफिट है, 16,069.78 का प्रॉफिट है, 18,734.95 का प्रॉफिट है, 23,214.84 का प्रॉफिट है, वही छोटा सा लॉस 8,465, 2,910.5। ये सारी चीजें अगर आप कैलकुलेट करोगे एट द एंड में 90,123.72 रुपीज घर पे लेके जा रही हो, और यस डेफिनेटली बनता तो है। यूपीएल, डीएलएफ, पीएफसी, इन 3 स्टॉक पे मैंने काम किया है और मैंने 90,000 रुपीज वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट और मैंने हमने सुबह डिस्कस करके ये स्ट्रैटेजी बनाई थी और हम लोग अभी प्रॉफिट लेके घर पे जा चुके हैं। आज हमारा पार्टी का दिन है, आप लोगों को भी ऐसी 90,000 से लेके पार्टी करनी है तो डेफिनेटली फ्राइडे की बात स्टॉक मार्केट के क्लासेस की आप ज्वाइन कर सकते हो। काफी सारी चीजें आपके साथ वहां पे मैं क्लियर करती हूँ। यही स्ट्रैटेजी, कुछ डिफरेंट नहीं होता है, मतलब यही सारी स्ट्रैटेजी हम लोग वहां पे भी सीखते हैं और हम लोग काम करते हैं। तो टिल देन गाइस, ये थी आज की फंडामेंटल और ये था आज का ह्यूज प्रॉफिट। यही ह्यूज प्रॉफिट आप भी करना चाहते हो तो आपका लक पहन के चलो और स्टॉक मार्केट में नॉलेज के साथ आओ। टिल देन गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।